और अब खबरें विस्तार से। सरकारी कार्यालयों के कबाड़ में अक्सर शराब की खाली बोतलें मिलती है। कुछ वर्ष पहले जिला परिषद इमारत की छत पर भी दारू पार्टी की घटना चर्चा में रही थी, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले ही यदि नशे में रहे तो फिर किससे उम्मीद की जाएगी। इसी तरह की घटना प्रादेशिक मनोरुग्णालय के सामने आई है। दरअसल सुरक्षा रक्षकों का दारू पीता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद ही घटना का पता चला है। प्रादेशिक मनोरुग्णालय में सुरक्षा रक्षकों द्वारा ड्यूटी के दौरान दारू पार्टी करने का एक वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। अस्पताल के वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर पुरुषोत्तम माडवी ने इस मामले में संबंधित रक्षक व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रादेशिक मनोरुग्णालय अक्सर मरीजों की मौत को लेकर चर्चा रहता है, इस बार सुरक्षा रक्षकों की वजह से चर्चा में आया है। वर्तमान में अस्पताल में करीब 500 स्त्री व पुरुष मरीज उपचार ले रहे हैं। अस्पताल में वार्ड की ओर जाते समय मुख्य प्रवेश द्वार पर गार्ड रूम है। इन सुरक्षा रक्षकों की जिम्मेदारी वार्डों में भर्ती मरीजों और कार्य करने वाले स्टाफ के सुरक्षा की है। वार्ड के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति नहीं आ सकता, लेकिन सुरक्षा रक्षक ही शराब के नशे में रहेंगे तो फिर सुरक्षा कैसी होगी, यह सवाल खड़ा हो गया है। प्रादेशिक मनोरुग्णालय 42 एकड़ परिसर में फैला हुआ है, इसकी तुलना में केवल 12 सुरक्षा रक्षक तैनात है। एक शिफ्ट में 3 सुरक्षा रक्षक ड्यूटी पर होते हैं। चौथी रोटी है ना? चौथी रोटी है नहीं, चौथी है, पांचवी रोटी है ना, अपने बात की रोटी है। चावल लेना? हाँ, ये गर्म ही से चावल है, गर्म चावल, और अपना डब्बे में है ना पूरा गर्म ही रहता चावल, चावल रोटी है गर्म।